एज इंडिपेंडेंट सफायर डायरेक्टर कुछ और न्यू प्रोडक्ट्स आपके सामने डिफाइन करना चाह रही हूँ, ताकि आप बेहतरीन तरीके से जान सकें कि अब लव नेचर की जो न्यू रेंज है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो प्रोडक्ट्स हमारे पास आई हैं, स्किन केयर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम स्किन केयर को अगर यूज करेंगे तो हमारी स्किन भी हेल्दी रहेगी और इसके साथ साथ हमारी जो एज है उस पर भी हम बैरियर्स लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ हमारी लव नेचर के बारे में। ये दो प्रोडक्ट जो मैंने आपके सामने इस वक्त शो हो रही हैं, ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है और लव नेचर हमेशा जिसे नाम की तरह नेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और नेचर से बहुत क्लोज है। अगर हम बात करें लव नेचर की इस प्रोडक्ट की, तो ये है लव नेचर रिफ्रेशिंग 2-in-1 स्क्रब एंड मास्क। ये क्या करेगा ये भी मैं आपको भी डिफाइन करती हूँ। इसके साथ साथ हमारे पास है लव नेचर रिफ्रेशिंग आई जेल, इसको भी मैं आपके सामने डिफाइन करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं लव नेचर रिफ्रेशिंग 2-in-1 मास्क एंड स्क्रब की। जैसे कि हम जानते हैं एलोवेरा एंड कोकोनट हमारी स्किन को रिफ्रेशिंग और हाइड्रेट रखता है और हमेशा हमें ज़रूरत होती है रिफ्रेश रहने की, हाइड्रेट रखने की, क्योंकि अगर हम अपनी स्किन को रिफ्रेश नहीं करेंगे, हाइड्रेट नहीं करेंगे तो एजिंग इफेक्ट्स भी जल्दी आएंगे और इसके साथ साथ हमारी स्किन डल, ड्राई एंड डैमेज भी लगेगी। इस प्रोडक्ट को अगर मैं देखती हूँ तो ये एक अपने अंदर एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। वो क्यों? वो इस तरह से कि हमें स्क्रब भी इसमें मिल रहा है और मास्क भी मिल रहा है। इसके जो अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मास्क और स्क्रब 2-in-1 इसको हम कैसे अप्लाई करें, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, तो मैं इसका टेक्सचर सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, और इसका टेक्सचर में इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा ही निकल गया। इसका टेक्सचर अगर मैं इस तरह से इसको फील करूँ तो बहुत ही बारीक, आपको इस वीडियो में शायद शो नहीं हो रहे होंगे, बहुत ही बारीक ग्रैन्यूल्स है, बहुत बारीक है। तो अगर आपकी स्किन ऐसी स्किन है जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें एक्नी नहीं है या आपकी स्मूथ स्किन है, तो आप हल्का सा स्क्रब करके और मास्क को अप्लाई कर लेंगे, फिर उसके 2-4 या 5 मिनट्स बाद आप वॉश कर लेंगे। अगर आपकी स्किन पे एक्नी है और आपको लग रहा है कि मेरी स्किन ऐसी है कि एक्नी प्रोड्यूस हो जाती है, तो आप इस मास्क को जस्ट अप्लाई करेंगे और 2-4 मिनट्स के बाद वॉश कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई हैं और आपको मिलेगी बहुत सॉफ्ट, स्मूथ, फ्लॉलेस स्किन जिसे आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं और अपनी स्किन केयर जो आप रूटीन यूज कर रहे हैं उसके साथ एक बहुत जबरदस्त इजाफा है इस स्क्रब मास्क का। अब हम बात करेंगे आई जेल की। जैसे कि डार्क सर्कल्स का इशू बहुत ज्यादा होता है और हमें लगता है कि हमारी जो आई है वो पफी आईज हो रही है, बहुत ज़्यादा बाज लोग पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने की वजह से यानी कि अपनी अपनी स्टडीज़ की वजह से जो है वो अपनी आई को ट्रीट नहीं कर पाते सही तरह। बाज दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई भी आई क्रीम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और हम चाह रहे हो कि हमारी आई जो है वो अच्छी लगे, हमारी आई थोड़ी रिफ्रेश हो, फाइन लाइन थोड़ी सी कम लगे या हम हमारी आई थोड़ी सी ब्राइट लगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बहुत ही अमेजिंग आई जेल। इसका टेक्सचर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट जेल टेक्सचर, जो हम अगर कहीं बाहर भी निकल रहे हैं तो किसी को नज़र नहीं आएगा और हमारी आई प्रोटेक्ट होती रहेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर, और जैसे मैंने आपको बताया कोकोनट एंड एलोवेरा, इससे आपकी जो आई है वो बहुत अच्छी तरह से प्लम तरीके से आपकी स्किन पे हमारी परफॉर्म करेगी। इस आई क्रीम को लगाने के बाद हम डार्क सर्कल्स भी हमारे बहुत अच्छी तरह से कवर हो सकते हैं और हमारी जो आई है बहुत अच्छी ट्रीट और हेल्दी नज़र आती है। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आज आप लोगों को डिफाइन किए हैं और इंशाल्लाह मैं आपसे और भी न्यू प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद वीडियो शेयर करूँगी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसके साथ साथ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।